फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो नंबर 21 आई डिस्कस विद यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पेपर इज ऑफ जून 2014 पेपर सेकंड। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एजर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। So weighted average cost of capital, we call it overall cost of capital, should be used as a hurdle rate, means cutoff rate, for accepting or rejecting a capital budgeting proposal. So this assertion is true. इसका reason क्या होता है कि क्यों एक capital क्यों एक company में जब किसी capital expenditure decision को या investment proposal को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाता है तो उसका हम बेसिक क्राइटेरिया हर्डल रेट क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाया जाता है तो उसको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल से जो है ऑब्टेन किया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है। तो हर एक कॉस्ट, ईच सोर्स ऑफ कैपिटल का अपना एक कॉस्ट होता है। ओके, तो जब कंबाइंड कॉस्ट हम निकालते हैं तो इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट क्या है और प्रोपोर्शनेटली उसका वेट कितना है टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ ए फर्म में। ओके, तो इस बेसिस पर हम ये मानते हैं कि प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर तो होना ही होना चाहिए ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर सकें। अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा रहेगा तभी हम शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी यूज्ड एज ए हर्डल रेट फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ए कैपिटल बजटिंग प्रपोजल। दिस इज बिकॉज बाय फाइनेंसिंग द प्रपोर्शन स्पेसिफाइड एंड एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट यील्डिंग मोर देन वेटेड एवरेज रिक्वायर्ड रिटर्न। ये लिख करके आना कि जो उसका जो रिटर्न होगा वो वेटेड एवरेज रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आर ग्रेटर देन के ओ। ओके, तो द फर्म इज एबल टू इंक्रीज मार्केट प्राइस ऑफ इट स्टॉक और फर्म इज एबल टू अचीव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ए फर्म वांट्स टू नो द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो करंट लेवल ऑफ सेल्स दिया गया है 6000 यूनिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स 4000 यूनिट्स। वट वुड बी द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज? तो सबसे पहले आप इसको देखिए क्या करना है आपने, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, रिजल्ट इनटू ईबीआईटी। ओके, तो हम ये मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1000 रुपये है। ओके, तो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी उसमें सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या होता है ये हमने ज़ूम कर लिया, फिक्स्ड कॉस्ट 1000 रुपीज़, उसके बाद हमने लिखा कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इसका फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ओके, तो इसमें हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि 1000 हमने ज़ूम किया है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 4000 है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 1000, दिस इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इन पॉइंट इनटू डिवाइड बाय 4000, तो ये आ गया हमारा 0.25 पर यूनिट रुपीज़, 0.25 पर यूनिट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन एट करंट सेल्स लेवल 6000 इनटू दिस, तो 1500 रुपये हमने निकाल लिया। एट करंट सेल्स लेवल ऑफ 6000 यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन जो है अमाउंट में आ गया ये 1500 रुपये। तो EBIT हमने निकालना है, कंट्रीब्यूशन आपका कितना है 1500 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट हमने ज़ूम किया था 1000, तो 500 रुपये आपका क्या आ गया EBIT। तो कंट्रीब्यूशन आपका क्या है 1500 और फिक्स्ड कॉस्ट आपका EBIT कितना आपका 500, तो ये आ गया आंसर आपका 3। सो द आंसर 3 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज assertion and reason when two or more investment proposals are mutually exclusive। Mutually exclusive का मतलब मान लीजिए A and B दो प्रोजेक्ट हैं
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब है कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट है, अगर हमने ए को एक्सेप्ट कर लिया तो बी को रिजेक्ट कर देंगे, अगर बी को एक्सेप्ट कर लिया तो ए को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब ओनली बेस्ट वन इज सिलेक्टेड। रैंकिंग द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ IRR, NPV एंड PI मेथड्स मे गिव कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स। ये बात सही है कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ सकते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो रिजल्ट्स हैं इन दी रैंकिंग किसकी वजह से हो सकता है? स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स प्रोजेक्ट ए में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रोजेक्ट बी में 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, दिस इज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो पैटर्न, इकोनॉमिक लाइफ मान लीजिए दोनों का 5 साल है, ओके, तो प्रोजेक्ट ए में पहले 3 साल आपको पैसा मिल रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ में कुछ नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट बी में पहले 2 साल में आपको कुछ नहीं मिल रहा, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में पैसा आ रहा है, तो प्रोजेक्ट ए में अर्लियर ईयर्स में पैसा मिल रहा है और प्रोजेक्ट बी में लेटर ईयर्स में, सो दिस इज़ कैश फ्लो पैटर्न। एंड प्रोजेक्ट का लाइफ जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है, मान लीजिए इसका 5 5 ईयर है और इसका 7 ईयर्स है, ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन इन वजह से क्रिएट हो सकता है। तो इसका क्या है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ ए नेसेसरी कंडीशन है, ओके, बट नॉट ए सफिशियंट कंडीशन, ओके, तो इसमें हम सफिशियंट कंडीशंस नहीं कंसिडर नहीं करते, क्योंकि सफिशियंट के लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसका बताना पड़ेगा, ओके, मतलब एग्जैक्ट लॉजिक देना पड़ेगा कि वो क्यों हो रहता है, ओके, तो बट वो सर्टेन अजम्पशंस के साथ हम उसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज नॉट कवर्ड इन द वॉल्टर मॉडल ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग, दिस इज मेन अजम्पशन। फर्म बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज ड्यू टू द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। फर्म हैज़ ए इनडेफिनेट इनफाइनाइट लाइफ और परपेचुअल लाइफ, ये भी सही है। तो की वेरिएबल्स लाइक EPS, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कीप ऑन चेंजिंग, दिस इज इनकोरेक्ट, ओके, दिस इज नॉट ए अजम्पशन। तो ये एक्सप्लेनेशन देखिए, देर इज नो चेंज इन द की वेरिएबल्स लाइक बिगिनिंग अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर, द वैल्यू ऑफ डी एंड ई मे बी चेंज्ड इन द मॉडल, ये लिख रखा है मे बी चेंज्ड इन द मॉडल टू डिटरमाइन रिजल्ट्स, बट फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ ई एंड डी आर अज्यूम्ड टू रिमेन कॉन्स्टेंट इन डिटरमाइनिंग ए गिवन वैल्यू। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, क्विक वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल करंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल के दो मीनिंग होते हैं, फर्स्ट वन इज इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, सेकेंड इज नेट वर्किंग कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स विच इज़ फाइनेंस्ड विद लॉन्ग टर्म फंड्स, ओके, तो नेट वर्किंग कैपिटल इज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी। It is not very useful for comparing the performance of different firms, okay? तो अगर हमें एक इंडस्ट्री की डिफरेंट फर्म्स का आपस में कंपेरिजन करना है लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा, ओके, अगर इन तीनों फर्म्स का जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करती हैं, अगर इनका हमें आपस में कंपेरिजन करना है, इंटर फर्म कंपेरिजन, तो उस केसेस में नेटवर्किंग कैपिटल इज़ नॉट ए यूजफुल मेजर, ओके, क्योंकि इट इज़ ए क्वाइट यूजफुल मेजर फॉर इंटरनल कंट्रोल ओनली, ओके, तो सिर्फ एक फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है अपना कंपेरिजन कर सकती है, ओके, तो NWC नेटवर्किंग कैपिटल हेल्प्स इन कंपेयरिंग द लिक्विडिटी ऑफ द सेम फर्म ओवर टाइम, सो डैट्स वाई नेटवर्किंग कैपिटल एम्फेसाइजिज ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ओके। So thank you all of you for watching my channel's video, okay, so please give comments with respect to the each video, okay, so thank you very much.